मुझे तो पहचान गए ना? हाँ, आपकी मही। ए धूम धड़ाका तबला तोड़ने मौज मस्ती से भरने आ गई हूँ मैं अपने परिवार के साथ। लेकिन इस बार हमारे परिवार में एक और नया सदस्य आ गया है, जानते हो कौन है? अरे मेरी सास की भी सास, मतलब मेरी दादी सास। ये दादी सास है ना, वो मानती है कि जिंदगी के आखिरी स्टेशन पर भी हमें हंसते हुए जाना चाहिए। वैसे आपको पता है ना दादी सास यहाँ क्यों आई है? मैं बताती हूँ। बहू को बनाने बहू और सास को बनाने सास। मेरी सासू माँ है ना, उनसे थोड़ा खट्टा मीठा रिश्ता है मेरी दादी सास का। जैसे मेरा है मेरी सासू माँ के साथ, तो ये खट्टा मीठा रिश्ता भले खुद के लिए खट्टा मीठा हो, लेकिन लोगों को तो हंसाता ही है। बस ये खट्टे मीठे रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। तो आप भी हमारे इस खट्टे मीठे रिश्ते का मजा लीजिए और दिल से मुस्कुराइए। मुझे बैठने के लिए आपको पूछना पड़ेगा। यहाँ बैठे ससुमा, एकदम झज्जर मार घर के बीच में। अब तो मैं यहीं पर बैठूंगी, समझी? अच्छी लग रही हो अभी। अरे खोल खोल टीवी, खोल, कुछ अच्छा देखने को मिले तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। मॉम क्या आ रहा है टीवी पे देखो। शाम बंसी बजाए तोरे छोटे छोटे हाथ, कान्हा गोकुल के उन गलियों में वो छुप छुप माखन चुराए, माँ यशोदा बलिहारी जाए, कैसा जादू चलाए मोहन। बाल कृष्ण 14 मार्च से सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे बिग मैजिक पर। अरे वो बाल कृष्ण आ रहा है बिग मैजिक पर। वाओ मस्त है बिग मैजिक। हाँ सासुमा, बाल कृष्ण की लीला में हमें हमारे जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सच कहा, और इनके बाल स्वरूप के तो क्या कहने। वाह, गोकुल से लेकर मथुरा तक और मथुरा से लेकर कुरुक्षेत्र तक इनकी एक एक छवि देखने समझने और जीवन में उतारने जैसी है। हाँ तो उतार इनकी लीलाओं में से कुछ अपनी जिंदगी में। खाली ऐसे पोज मार के टीवी नहीं देखने का, सीखने का। और बोल देती हूँ तेरे को टीवी बंद नहीं करना। हाँ 14 मार्च से बिग मैजिक पे 6:30 बजे आने वाला है सो बाल कृष्णा, मैं देखूंगी, चालू रखना टीवी। जैसे बाल कृष्ण ने कंस को सबक सिखाया, वैसे मैं उस विश्वास राव को उसकी नानी याद दिला दूंगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे लाल करेगा कमाल। अंजुया मेहता, यहाँ का काम एक लाइन में मेरा कहानी बता। वो मेरा कंपनी के खिलाफ इनक्वायरी किया, वो तुम्हारा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। पौना? पौना? जी मैडम जी, मेरी लाल डायरी देखिए। वो लाल रंग की ना, जिसमें हम नोट लिखती है। हाँ 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 सही, कहाँ है मेरी लाल डायरी? अरे वो तो हमको नहीं पता है, किसी ने कहीं रखी होगी और अब भूल गया होगा। हाँ मैडम जी, तो आपको पता ही है ना कि वैसे दिमाग हमार भारी बा, पर तनी भूले की बीमारी बा। ससुमा जय अंबे। लो आ गई और एक मुसीबत। क्या कुछ हुआ क्या? अरे मई भौजी, कोनो बिग मैटर बा नहीं है, मैडम जी की लाल डायरी नहीं मिल रही है। ये पौना भाई, आप सोनिया भाभी की घड़ी आटे के डिब्बे में रखकर भूल गए थे? उड़ी बाबा, तो वैसे ही कहीं सासुमा की लाल डायरी कहीं रखकर भूल तो नहीं गए ना? पानी की टंकी में या फिर फ्रिज में, याद करो। क्या पानी की टंकी में? अरे अब तक तो गल के हलवा हो गई होगी पौना। अरे मैडम जी, जब तक हम शक्कर नहीं डालेंगे हलवा नहीं बनेगा। क्यों? अच्छा भी नहीं था और मजा भी नहीं आया।
मैडम जी आप फिकर नाट हो जाइए, वो डायरी को हम ढूंढ निकालेंगे। आपकी डायरी को हलवा नहीं बनने देंगे मैडम, हम आते हैं अभी। हम सारे नंग मेरे नसीब में आए हैं ना। आओ आओ गांडी बेबली, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। मेरी लाल डायरी अगर तुम्हारे पास थी तो अब तक कहा क्यों नहीं? अरे क्या बकरी की तरह मैं किए जा रही हो? बोलो सासू माँ, मुझे तो कुछ नहीं सुन रहे। ये तो मैं अच्छा नहीं किया मैं। सासू माँ कुछ नहीं सुनना मुझे दादी सास। अब क्यों हमेशा मेरी आड़ लेकर सासू माँ को तंग करती रहती हो? सच को मजा आता है। लेकिन आपकी मजा मेरी सजा बन जाती है ना। आपकी वजह से, हमेशा आपकी वजह से मैं मेरी सासू माँ की नजरों में गिर जाती हूँ, जो उन्हें आओ थोड़ी होए। अरे इस लाल डायरी की वजह से कितना बड़ा बखेड़ा हो गया, देखा ना आपने? अरे नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, एकदम मम। डाई बेबली, तो ये लाल रंग की डायरी की वजह से तेरी दादी सास को इतना डांट रही है? ठीक है, मैं मुंह नहीं खोलूंगी, लेकिन याद रखना, जिस लाल रंग की डायरी की वजह से तू मेरे पे लाल पीला हो रही है ना, उसी लाल रंग की वजह से क्या क्या कमाल होता है देखना तू। लाल करेगा कमाल। दादी सास लाल का क्या? अब कुछ बोल रही थी ना दादी सास? लाल रंग की क्या बात कर रही थी? थोड़ा बोल दो चलेगा। लाल रंग से क्या मुसीबत आने वाली है? लाल नेल पॉलिश लगाऊंगी, वाओ बड़ा मजा आएगा। लाल रंग की नेल पेंट लगाकर मैं सेल्फी खींचूंगी, वाओ सोनिया खुश हुई, बड़ा मजा आएगा। ये लीजिए आपकी किताब, आप मेरे कमरे में भूल गई थी। हाँ इमही, मुझे नेल पेंट लगा के दो ना प्लीज प्लीज। हाँ याद रखना, लाल करेगा कमाल। मैं क्या बोल रही है? लाल 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 क्या लगाने का, कोई और रंग ले लो ना। पर मही, सोनिया ने ऑलरेडी स्टेटस सोच लिया है, लाल लाल मकड़ी का जाल, ऐसा पता नहीं कौन सा लाल क्या करेगा कमाल। ए आई, सासू माँ बुला रही है। अरे मैंने तो आवाज नहीं सुनी। अच्छा, लेकिन मैंने सुना। मैं जाती हूँ, आप ये खुद लगा लीजिए। नहीं, अरे ओहो, मेरी नेल पेंट, माय गॉड, वाओ रोहित, माय गॉड क्या लग रहे हो, मस्त लग रहे हो। एक मिनट, हाँ रोहित, एक सेल्फी ले लेती हूँ ना आपके साथ। एक मस्त स्टेटस दिमाग में आया है, उड़ी बाबा, मेरा पति लाल लाल। अरे लाल टमाटर काटा हो, प्रसाद के जैसन बाटा हो, काटा हो बाटा हो काटा हो बाटा। लाल टमाटर, नहीं नहीं पापा, लाल लाल। अरे मही भौजी, पर
प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान चलाओ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि काम की चीजें कचरा के डब्बा में डाल दो। देखिए पौना भाई, कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर में लाल रंग का ना ही कुछ बनेगा और ना ही कुछ दिखेगा, समझ गए? समझ गवा। लाल सास के काला कर दिया। एक और काम करते हैं हम। अच्छा? लाल लाल नहीं रहना चाहिए। लाल गाजर का हलवा, अब देखो हमारा जलवा। पीला कर दिए, पूरा पीला, काला पीला, पीला काला। अब किचन में खाने वाला कोनो भी चीज लाल नहीं है। पता नहीं अब कौन सा लाल क्या कमाल करने वाला है। सागर जी, सर अपनी जो ये स्पीकिंग डिक्शनरी है ना, मार्केट में धमाल करने वाली है। सर वैसे तो ये एकदम परफेक्ट ही है, मुझे लगता है बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेगी और माँ बाप भी पसंद करेंगे, तो उस बारे में थोड़ा सोचिए ना सर। सागर जी जल्दी फटाफट इसको निकालो। सर मैं आपको कॉल करता हूँ। ओहो मही, क्या है दिखाओ। अरे सागर जी, आपका ये टेप प्रकरण छोड़ो और मेरा प्रकरण सुनो। वही तुम्हारा तो एक ही प्रकरण होगा, दादी प्रकरण। दादी ने कुछ कहा होगा? हाँ। आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा देखकर, देखो कैसे लाल लाल हो। प्लीज सागर जी, लाल रंग का नाम मत लो, लाल रंग का नाम मत लो प्लीज। वही लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक होता है। अरे ना ना अवे, कोई प्रेम का प्रतीक नहीं होता, खून का रंग लाल होता है, आग ज्वालामुखी हर जगह लाल रंग लोता है। सागर जी मैंने तो सोच के रखा है, लाल रंग के बारे में सोचूंगी नहीं, देखूंगी नहीं और उसके बारे में सुनूंगी भी नहीं पापा। और मैंने तो ये भी सोच के रखा है सागर जी, जिसका नाम लाल रंग से शुरू होता होगा और लाल रंग पर खत्म होता होगा उसको तो बुलाऊंगी नहीं पापा। प्रेम लाल, श्याम लाल, राम लाल, जो भी लाल 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 हो पापा, नहीं लाल से कोई मतलब रखना ही नहीं है मुझे। लाल रंग से मुसीबत आ सकती है सागर जी। वही वही, ये क्या लाल मुसीबत यार, ये क्या लाल 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 तुमने लगा रखा है, ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? अरे वो दादी ने। मही ऐसा कुछ नहीं होता। अरे ऐसा हो सकता है सागर जी, क्योंकि दादी सास ने कहा ना, मतलब कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। हाँ भरत भाई बोलिए। मैडम वो विश्वास राव के आदमी का फोन आया था, वो धमकी दे रहा था। क्या कह रहा था वो? अच्छा तो अब उसका नहीं होगा। विश्वास राव बड़ा खतरनाक आदमी है, बहुत ऊपर तक पहुंचे उसकी। ऊपर तक पहुंचे, ऊपर वाले तक तो नहीं है ना। मैं किसी से नहीं डरती भरत भाई, आओ जो। जय श्री कृष्णा अनसुईया मैडम। अरे जगजीवन लाल, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, आओ आओ। हे भगवान, नाम में भी लाल, कुर्ता भी लाल, लाल 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 लाल, फिर से लाल पापा। हे भगवान लाल। भगवान लाल नहीं, जगजीवन लाल, जरी लगा के धाम धाम। कहाँ है जरी? आपका चेहरा तो एकदम साफ है, कहीं जरी नहीं है। आपको ऐसा कहना चाहिए कि दाढ़ी लगा के जाम जाम, आपके चेहरे पर दाढ़ी है। सोनिया ये इनका तकिया कलाम है, तकिया कलाम बोलने की स्टाइल। ये जरी वाली साड़ियां बेचते ना इसीलिए। अच्छा, एक से एक साड़ियां हैं मैडम जी। ये देखिए, ये वाली बहुत ही खराब है। तो ये वाली देखिए, ये वाली तो उससे भी ज्यादा खराब है। अब जो साड़ी दिखा रहा हूँ देखिए, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाँ ये वाली देखिए, एक ये देखिए, ये साड़ी ये तो खतरनाक खराब है एकदम। और अरे मही, लीजिए एकदम गरमा गरम। जब कहा दूंगा जरी लगा के जाम जाम। भगवान बचा लो।
एक मिनट, सोनिया के दिमाग में मस्त स्टेटस आया है, एक सेल्फी ले लेती हूँ। पौना भाई का काम तमाम, जरी लगा के जाम जाओ। एक सेल्फी लेते हैं जगजीवनलाल। अरे क्या पागलों के खानदान में आ गया हूँ मैं, सबको टपका डालूंगा जरी लगा के झाम झाम। जगा जगा, शांत शांत। देखो तुम्हारी ये सारी साड़ियां मैंने खरीद ली, है। वाह, शांत शांत हो जाओ, शांत। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, सांस इन सांस आउट। जरी लगा के थाम जाओ। नहीं नहीं सासु माँ, लाल साड़ी मत खरीदो, लाल से खतरा है पापा, समझो। सर मैंने सोच समझ कर ही उस चिप्स की कंपनी पर धरने का कार्यक्रम आयोजित किया है। उस विश्वास चिप्स की पूरी रिपोर्ट है मेरे पास। उसका प्रोडक्ट बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सर, मैं उसकी कंपनी बंद करवा कर ही रहूंगी। अंजुया मेहता, ए लाल बंदर, हाथ हटा, तेरे को मैं हाथ रखने का स्टैंड लगती हूँ, निकल निकल हाथ को। कौन है आप? हाँ, और वो भी लाल कोट पहन के आ गया। मैं तो घबरा गया भाई, इतने जोर से बोल दिया तुम। कोई नहीं है, मैं मेरा कोई औकात ही नहीं है बोलने का। अरे ये विश्वास चिप्स के मालिक श्री श्री विश्वास राव जी साहेब हैं। ए तो चिप्स इधर ला, अकेले अकेले खा रहा है, कुरम कुरम। ए रेंदे रेंदे, मेरे को तो गड़बड़ लगती है चिप्स में, खाके मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी। वैसे भी ऊपर ही हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा जाऊंगी। नहीं यो मैं नाम रख लेना, ए विश्वास राव काय को वास्ते मालूम है, आखा दुनिया मेरे पे विश्वास करेगा, करने दे, उसका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी पे विश्वास नहीं करता है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता है। चिप खा के क्या बोलते हैं, कुर्राम कुर्राम। यहाँ का काम है, एक लाइन में मैं लंबा कहानी को एकदम शॉर्ट में बताता हूं। मैं दुनिया में किसी से पंगा नहीं लेता है, और किसी का पंगा बर्दाश्त भी नहीं करता। बस एक लाइन में मेरा कहानी बताते हैं। वो मेरा कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी किया, मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बस इतना ही बोलने को आया है। ऐसा करने से माहौल थोड़ा गड़बड़ होता है और दिल खट्टा होता है, तो ऐसा टाइम पे मेरे चिप खाने का कैसा ऐसा कुर्रम कुर्रम, तो एकदम मन प्रसन्न होता है। और जो तुम मेरे खिलाफ करता है वो तुम्हारा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, बस इतना ही बोलने को आया। मेरी सासू माँ को धमकी दे रहे हो? हाँ, आज तक मैंने नहीं दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई लालकोट? धमकी नहीं दे रहे, ऐसा धमकी देता है, इतना हलू हलू बोल के धमकी देता है। अरे मैं आशीर्वाद लेने आए ले। मी तुमचा आशीर्वाद घेला आलो येते, सासू माँ माझी पण सासू माँ, सब मेरे को आशीर्वाद देने का, मेरा कंपनी एकदम फलेगा फूलेगा, सब लोग चिप खाएगा, कुर्रम कुर्रम करेगा, कुर्रम कुर्रम। ये कुछ बोलना चाह रहा है और बोल रहा है कुछ? माजनो विश्वास राव चिप वाला है, काय को वास्ते मालूम है, पूरा दुनिया मेरे पे विश्वास करते, लेकिन मैं किस पे विश्वास नहीं करते, मैं साम दाम दंड भेद में विश्वास करते, जो मेरा बात नहीं मानता है तो विश्वास उसका श्वास निकाल देता है डायरेक्ट।
ओ मतलब मेरे जैसे हालत हो जाएगी अनुसुया। विठला 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 पांडुरंगा तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता है। एक भी पत्ता नहीं। राम राम बेबी। बड़ा सचमा फिर को भी राम राम। ये तो मुंह बंद कर लाल बंदर, मुंह बंद कर। फिर को भी राम राम बोलते चलने का। देख लूंगी तुम्हें कुर्रम कुर्रम।